अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ, बीफ के पाए। तो आज हम बनाएंगे पाए। मौसम यहाँ का बहुत ही अच्छा हो रहा था, रियाद का बारिश भी हो चुकी थी और सर्दियाँ भी थोड़ी बढ़ गई थी, तो सोचा आज पाए बनाए जाएँ। पाए जो हैं वो ऑल टाइम फेवरेट डिश है सबकी, तकरीबन सभी लोग शौक से खाते हैं इसको। तो आज मैं बीफ के पाए बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने दो पाए लिए हैं, दो पाए की हड्डियां हैं ये, और इसके अलावा भी जो हमारा कसाई है उसने जो है वो हड्डियां हमें एक्स्ट्रा भी दे दी हैं। तो दो पाए से ज़्यादा ये तकरीबन हड्डियां बनती हैं इसकी, हमारे वज़न जो है इसका दो पाए से ज़्यादा है। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। अब हमने ये तकरीबन सारी हड्डियां एक बड़े से भगोने में ले ली हैं और अब हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि इसमें हम अच्छी तरह इनको गला सकें। तो मैंने तकरीबन इसमें 4 लीटर पानी डाला होगा, 3 से 4 लीटर मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। जितना भी आपको लगे कि हड्डियाँ अच्छी तरह से डिप हो गई हैं और भगोना हमारा पानी के हिसाब से भर गया है, तो हमें अच्छा से इसमें पानी डालना है। इसके अलावा मैंने तकरीबन 3 प्याज जो है वो गोल गोल चॉप कर ली हैं। इसके अलावा हम 4 से 5 प्याज डालने के बाद 4 से 5 बड़े चमचे हमने लहसुन अदरक के इसमें शामिल करने हैं पिसे हुए। आप चाहें तो मोटे मोटे चॉप करके कर सकते हैं। 2 चमचे मैं इसमें नमक शामिल करूँगी, 2 बड़े चमचे नमक के, और 1 चमचा हम इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। हल्दी पाउडर डालने से एक तो इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है और इसकी पाए की स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। तमाम चीज़ें शामिल करके पकाएंगे। इसके अलावा देखें, मैंने 1 किलो ये बॉन्ग का गोश्त लिया है। जब हमारे पाए जो है आधा घंटा पक जाएंगे बॉयल होने के बाद, आधा घंटे बाद हम इस बॉन्ग के गोश्त को उसमें शामिल कर देंगे, क्योंकि पाए में सिर्फ हड्डियाँ होती हैं तो हमें इसमें गोश्त भी डालना है ताकि इसमें टेस्ट बढ़ सके। ये देखिए, आधा घंटा हो चुका था, पाए हमारे अच्छी तरह गल रहे थे, अभी गले नहीं हैं। तो इसमें मैं 1 किलो बॉन्ग का गोश्त शामिल कर दूंगी। हमने पाए को भी बहुत अच्छी तरह धो के वॉश करके हमने इसमें शामिल किया था और गोश्त को भी हमने बहुत अच्छी तरह धो के हम इसमें शामिल कर रहे हैं। हमें पाए बहुत अच्छी तरह धोने पड़ते हैं ताकि इसमें कोई भी बाल वगैरह या कोई भी उसमें गंदगी ना रह जाए। इसके अलावा मैं 1 स्टिक जो है सिनेमन स्टिक इसमें शामिल कर दूँगी और पाए को हम पकने के लिए ढककर रख देंगे जब तक ये 1 से 1.5 घंटा अच्छी तरह से गल नहीं जाते। ये देखिए, 1 घंटा हो चुका है, क्योंकि आधा घंटा तो हमने पहले पाए को पकाया था और 1 घंटा हमने गोश्त के साथ पकाया है इसको। हमारे पाए जो है अच्छी तरह से गल चुके हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, पाए बहुत अच्छे थे माशाल्लाह से और अच्छी तरह से गल चुके हैं पाए भी। ये देखिए, पाए भी अच्छी तरह गल चुके हैं और इसके साथ जो मैंने बॉन्ग का गोश्त डाला था वो भी अच्छी तरह से बिल्कुल गल चुका है। अब हम पाए का मसाला तैयार करेंगे। हमारे पाए अच्छी तरह गल चुके हैं। 1 पॉट ले लिया है मैंने अलग से और उसमें जो है मैं तकरीबन 1.5 कप जो है मैं ऑयल डालूंगी मसाला बनाने के लिए। और उसमें मैं तकरीबन, मैंने 4 प्याज हैं दरमियाने साइज़ की, 4 प्याज थी जिनको मैंने स्लाइस कर लिया था, वो हम इसमें शामिल कर देंगे और प्याज को हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। ऑयल में प्याज को डालकर हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे। हमें प्याज को ब्राउन करना है और ब्राउन करके हमें इसको ऑयल से रिमूव कर लेना है। तो व्यूअर्स, हमारी प्याज देखें ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसको ऑयल से रिमूव कर लूँगी प्याज को और इसको किसी प्लेट में रख लूँगी। हमें इसमें से आधी प्याज जो है वो सालन में यूज़ करनी है मसाले में, और आधी प्याज को हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने आधी जायफल ले ली है और मैंने 1.5 टीस्पून मैंने जावत्री ले ली है। इन जायफल जावत्री को मैं अच्छी तरह पीस लूँगी, जो मैं अभी मसाले में आगे जाके शामिल करूँगी। तो इनको पीस के रख लेना है हमें। इसके अलावा 1 दरमियानी साइज़ की प्याज मैं पीस के ऑयल में शामिल कर दूँगी और उसको हम ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। 1 प्याज पीस कर हम ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई करेंगे मसाले के लिए। और इसके अलावा 4 चमचे मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी इसमें। 4 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा और अच्छी तरह हम प्याज और लहसुन अदरक को अच्छी तरह फ्राई करेंगे। जब हमारा प्याज और लहसुन अदरक थोड़ा फ्राई हो जाएगा तो इसमें हम कुछ ड्राई मसाले भी शामिल करेंगे। ड्राई मसाले में हम जो ले रहे हैं वो 3 चमचे मैंने लाल मिर्च पाउडर, 2 चमचे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 3 चमचे धनिया पाउडर और 1 चमचा मैं हल्दी इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 चमचा हम हल्दी पहले से डाल चुके हैं और इन तमाम मसालों को हम अच्छी तरह प्याज और लहसुन अदरक में फ्राई कर लेंगे। अगर आप मिर्ची ज़्यादा पसंद करते हैं तो मिर्ची आप ज़्यादा डाल सकते हैं। मेरे पास पाई की मकदार बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं तमाम चीज़ें ज़्यादा मकदार में डाल रही हूँ। और मैंने 1.5 टेबल स्पून मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। नमक हम अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे और नमक मैं आगे जाके भी चेक करूँगी, अगर नमक कम होगा तो मुझे आगे भी इसमें नमक डालना पड़ेगा। तो मसालों को हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इसमें तकरीबन मैं 1.5 पाव दही ले रही हूँ, 375 ग्राम मेरे पास दही है। अच्छी तरह से दही को फेंट कर हम इसमें डालेंगे ताकि हमारी ग्रेवी बहुत स्मूथ सी बने।
और हम अच्छी तरह से दही को मसाले के साथ भून लेंगे। हमें बहुत अच्छी तरह से इस मसाले को भूनना है। हम मसाले को मुस्तकिल देखें भून रहे हैं अच्छी तरह से। ये मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भून चुका है, बहुत अच्छी तरह से। अब हमने जो प्याज फ्राई की थी उसमें से हाफ फ्राई प्याज मैंने जो है वो पीस ली है एक चमचा दही के साथ। तो पिसी हुई प्याज हम इसमें, ब्राउन प्याज जो हमने फ्राई की थी तो वो पिसी हुई प्याज हम इसमें आधी शामिल कर देंगे। आधी प्याज हमने गार्निशिंग के लिए रख ली है, ये देखें आधी प्याज हम रख लेंगे, ऊपर से हम पाई की उसमें गार्निशिंग के लिए इसको यूज़ करेंगे प्याज को। मसाले को हम बहुत अच्छी तरह भून रहे हैं, हमें बहुत अच्छी तरह से मसाले को भूनना है। मुस्तकिल हम इसकी भुनाई करते रहेंगे मीडियम फ्लेम पे। अब हमने जो जायफल जवतरी पीसी थी तो हम जायफल जवतरी को इसमें शामिल कर देंगे, पीसी हुई जायफल जवतरी मसाले में शामिल कर देंगे और फिर हम अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे, मसाले को अच्छी तरह भूनेंगे। तो व्यूअर्स हमारा मसाला अच्छी तरह भून चुका है और दूसरी तरफ हमारे पाए भी अच्छी तरह गल चुके हैं। अब हमने जो मसाला फ्राई किया है भुना है हम उसको मसाले को, तमाम मसाले को हम पाए में शामिल कर देंगे। हम अपने पाए में मसाले को शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से मसाला डाल के हम पाए में इसको मिक्स कर देंगे। आप ये देख सकते हैं मैं तमाम मसाला मैंने जो है जो मैंने भुना था मसाला वो मैंने पाए में शामिल कर दिया है और मैं इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर रही हूँ। पाए में बॉयल आ चुका है, इसको कवर करके हम तकरीबन 20-25 मिनट के लिए इसको पकाएंगे स्लो टू मीडियम फ्लेम पे। 25 मिनट बाद हम देखते हैं हमारे पाए, देखें कितनी अच्छी तरह से पक चुके हैं मसाले के साथ। हमने इसको मसाले के साथ बहुत अच्छी तरह पकाया है इनको, हमने इनको मीडियम फ्लेम पे पकाया, स्लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इनको पकाया है तकरीबन 20-25 मिनट। अब हमारे जब पाए पक चुके हैं अच्छी तरह से मसाले के साथ तो हम एक बड़ा चमचा भरकर इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर देंगे। पिसा हुआ गरम मसाला डाल के हम अच्छी तरह से पाए को मिक्स करेंगे दोबारा से। अब हम इसमें नमक चेक कर लेंगे, मैंने 1.5 टेबल स्पून इसमें नमक डाला था। अब ये तकरीबन हर चीज़ इसमें मैं डाल चुकी हूँ और मिक्स कर लिया है। पाए हमारे बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं, गल चुके हैं, हमारे पाए रेडी हैं बिल्कुल। आइए इसको डिश आउट करते हैं। तो व्यूअर्स हमारे मज़ेदार से पाए तैयार हैं। इसको मैंने जूलियन अदरक, हरा धनिया चॉप और फ्राई प्याज और हरी मिर्चों से मैंने इसको गार्निश किया है और अलग से भी मैंने इसकी प्लेट देखे बना ली है पूरी। जब हम इसको सर्व करते हैं तो लोग अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर लेते हैं जो चीज़ उनको चाहिए होती है। हमने इसमें लेमन भी शामिल किया है, लीमू से भी इसका जायका बहुत मज़ेदार हो जाता है। तो व्यूअर्स अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह फिर इसी तरह की मज़ेदार डिशों के साथ हाजिर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।